अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है कराची का 30 डिग्री सेंटीग्रेड और उसमें भी कोई बंदा अगर जैकेट पहने तो उसे आप पागल ही कहेंगे, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ भाई। शूट है आज, आर्ट्स काउंसिल में मौजूद और किस चीज़ की शूट है ये आपको बताता हूँ। काम आओ, कुछ दिनों पहले मैं आया था यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाना, टीका लगवाना है, लेकिन आज हम एक्टिंग करने आए हैं। फोर्थ फ्लोर पर जाना है अभी। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नेपर 2 है ना, उसका हम कुछ और चेंज कर लेंगे। तो भाई मेरे साथ डायरेक्टर भी मौजूद हैं, बिलाल भाई। क्या सीन है बिलाल भाई? ये वालेकुम सलाम, ये भी बहुत बड़े फैन है, क्यों भाई? हाँ, मैं जो है ना 3-4 लोगों का फैन हूँ, मुश्किल से 3-4 लोग हैं जिनका फैन हूँ, उनमें से एक जो है वो काशान है। अरे बहुत अरसे से मैं सोचा था एक कोलैब करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपॉर्चुनिटी मिल गई है कोलैब करने की, और ये इनके लिए भी बहुत बड़ी बात है ना? बिल्कुल यार, मैं तो, मेरा एक दोस्त है वो नहीं आ सका, मोहसिन, उसको मैं याद रखूंगा ब्लॉग में। वो भी कह रहा था कि यार चल रहे हैं, हम लोग जब 7-8 क्लास में थे ना तब देखते थे ये इशरत बाजी। काम आपोल होल वाला पोला है, काला पुलिस वाला, काम आठा। अबे यार, तो आज फाइनली उनके साथ एक्टिंग करने का मौका मिलेगा और ये व्लॉग भी इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग भी इंजॉय करें। लाल भाई सीन और फिल्म भी जरूर देखना, क्योंकि जो इशरत बाजी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका 10 times ज्यादा है। ये भाई मुझसे पूछ रहे थे कंटूरिंग करूँ, मैंने कहा ये क्या होता है भाई, हम तो खाली मुंह धोते हैं तौलिए से मुंह पोंछते और आ जाते हैं, यही हमारी वीडियो होती है। लेकिन कभी आपने किसी गुंडे का मेकअप होते हुए देखा गैंगस्टर का? आज हो रहा है भाई, गुंडा भी अच्छा लगना चाहिए ना, यू नो। तो सीन ऐसा है भाई कि एक शॉर्ट फिल्म अभी जो है ना वो शूट होगी, जिसमें मोहिम मिर्ज़ा हैं, सनम सईद हैं और मैं हूँ। मैंने उनको किडनैप कर लिया है और वो किडनैप करके क्या बातें हो रही हैं ये आप शॉर्ट फिल्म में देखें, वो भी रिलीज़ हो चुकी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वो बड़ी अच्छी जो है ना, वो अच्छा सीन है। तो भाई मेकअप शेकअप हो गया है, बाल भी बन गए हैं, हल्के से रफ से बाल बनाए, इतने ज़्यादा कोई पफ वफ जान इफ्राइम नहीं बना दिया हमने इसमें, क्योंकि मैं गैंगस्टर हूँ, सही है। तो अब शूट होने वाली है स्टार्ट, काम ऑन। तो भैया ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और मैं यहाँ बैठूंगा सामने, मोहित भाई और सनम बैठेंगी और फिर सीन ऑन है। 2 shots सीन है, ये देखें कैमरे लगे हैं। तुम मोहिब हो, तुम सनम हो, लेकिन तुम इशरत भी हो और तुम अख्तर भी हो। जी हाँ। अबे अच्छा था, कैरी रख अच्छा फंस गई। एंड क्यू। और तो और, इस फिल्म को देखकर आपको लगेगा कि आप फिल्म ही देख रहे हैं। इसमें एक्शन है, मेड इन चाइना नजर आ रही थी भी। सब चाइना का माल है। और इसको देखोगे ना तुम ऐसे लगेगा तुम फिल्म देख रहे हो। अरे ले 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 ले, अरे ले ले ले, उठा उठा, अरे ले 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 ले। हां छोटे, एक काम कर, एडवांस टिकट बुकिंग कर दे, इशरत मेड इन चाइना। ठीक है, कट एंड क्यू। तो देखना ना भूलिएगा, इशरत मेड इन चाइना, आपके करीबी सिनेमा घरों। जी हाँ, कब आ रही है? 3rd March 2022। कम जरूर आइएगा। कट, लाइट्स ऑन, चले जी अपना पैकअप। तो भाई मैं आया हुआ था यहाँ पर शूट पर, बहुत मजा आया, शॉर्ट फिल्म की हम लोगों ने एक जबरदस्त सी और आप लोग देखेंगे। अरे 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 अरे, बात सुनो जी, सिनेमा आ रहा है, कम
हाँ सिनेमा आना है, कम हो कम हो, थैंक यू सो मच। थर्ड मार्च को आना है। तो भाई हम लोग प्रीमियर पे आ चुके हैं, रेड कारपेट पे खड़े हुए हैं, मेरे साथ बिलाल भी मौजूद हैं। सर कैसा लग रहा है? यार बहुत ओवरवेलमिंग है माशाल्लाह, हर चीज़ विटनेस करना कामों वाला सीन है। मतलब मैंने सोचा नहीं था लाइफ में कभी ऐसा विटनेस करूँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। और काशान भी बड़ा ओवरवेलमिंग फील कर रहा है, कैमरे में दिखा नहीं रहा। अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत मिली है, और ज़ाहिर है बार बार कैमरे निकाल नहीं सकते ना, मोमेंट ऐसे होते हैं। तो भाई प्रीमियर पे भी गए, रेड कारपेट पे गए, फुल सीन ऑन है, मूवी बहुत अच्छी है। जिन्होंने इशरत बाजी ड्रामा देखा हुआ उनके लिए तो बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट है, बट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी मूवी अच्छी है, देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। तो जाएँ देखें और मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, चलो शाबाश।